हाय के माशाला, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। और मेरा ब्लॉग अभी सुबह सुबह स्टार्ट हुआ है क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा लेट से सो के उठे हुए यहाँ पे आए और थोड़ा मेरा नींद लेट से टूट रहा है। बट मैं घर पे होता हूँ तो सुबह उठ जाता है, आपको तो ये सब पता ही है। तो अभी हम लोग सुबह सुबह आए हुए हैं बांध के नीचे तो थोड़ा सा व्यू लेने के लिए हम चारों भाई। हाय प्रियंशु, कैसे हो? और प्रिंस, प्रियंशु, निखिल और हम सभी लोग आए हुए हैं अभी बांध के नीचे यहाँ पर टहलने के लिए। मतलब कि भाई साहब 8 बजे कौन टहलता है, बट हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा, तो चलते हैं देखते हैं, आपको भी पूरा व्यू दिखाते हैं बांध के नीचे का, मॉर्निंग का व्यू। सुबह अगर हमारा ब्लॉग थोड़ा सुना सुना टाइप का लग रहा है, वो भी चला गया बेचारा अपने घर, मतलब आज जाने वाला है, तो अभी वो लोग तैयारी में लगे हुए हैं लोग, तो हम लोग उनको भी जाना है छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक। बिरला मंदिर जो बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का, तो उसमें भी हम लोग आए हुए दर्शन करने के लिए, तो आपको भी हम बारी बारी सब मंदिर का व्यू दिखाते हैं, क्या प्रियंशु? हाँ। और हम ही प्रियंशु सिर्फ आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बट निखिल नहीं आए हुए हम लोग के साथ, तो आपको पूरा मंदिर का व्यू दिखाते हैं। इस मंदिर में शायद मतलब शूटिंग वगैरह भी हुआ है, गाना फिल्म वगैरह का, तो आपको पूरा मंदिर का व्यू दिखाते हैं, काफ़ी मस्त मंदिर है। इस मंदिर में एक अंजलि भारद्वाज थी, उनके गाना का शूटिंग भी हुआ था, भक्ति गाना का। मैं पूरा मंदिर का एरिया आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का, जो कि गांव का पूरा सबसे फेमस मंदिर है, ये बिरला मंदिर के नाम से इनको जाना जाता है। काफ़ी अच्छा मंदिर का व्यू भी है, ये बिरला मंदिर और गांव बाज़ार का काफ़ी पुराना और प्राचीन मंदिर है। बजाओ घंटी, बजाओ। बोलने वाला है वो नंदी के कान में कुछ मांगने वाला, जल्दी मांगो। तो देखिए साहिल भी अभी मन्नत मांग लिया अपना। ये बाबा जी हैं मंदिर के, कितना मस्त यहाँ पे मतलब पूजा वगैरह हुआ है, राधे कृष्ण बलि, राम लक्ष्मण जी और सीता जी और बजरंग बलि। बिरला मंदिर का भी पूरा व्यू दिखा दिया यहाँ पे, अब चलते हैं हम लोग घर। आए हैं गांव बाजार के देवी स्थान के मंदिर का, जो कि काली माँ का मंदिर है ये। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे भी मंदिर में आए हुए, तो आपको यहाँ का भी थोड़ा सा व्यू दिखा दें। यहाँ पे एक नीम का पेड़, यहाँ पे भी हम लोग अभी, तो चलिए हम थोड़ा सा आपको ऊपर का भी व्यू दिखाते हैं यहाँ से मंदिर से। आप देख लीजिए पूरा ऊपर से भी मंदिर का व्यू नज़ारा। यह गांव मेन बाजार पे पड़ता है ये मंदिर, क्या प्रियंशु? हाँ। मैं थक गया पसीना से, हम सबका पसीना से काफ़ी हालत ख़राब है, बट फिर भी हम लोग ब्लॉग शूट करें आपके लिए। तो आप देख सकते हैं पूरा अराउंड यहाँ का मंदिर का सिचुएशन, यहाँ से रास्ता है आने का। मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर, मंदिर के ऊपर इतना स्पेस भी है, आप देख सकते हैं पूरा है। सीधा घर की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं, घर का रुख, घर की तरफ रुख मोड़ते हैं हम लोग। काफ़ी गर्मी यहाँ फील हो रहा है। चलिए अब चलते हैं हम लोग घर। बलि हमारे संकट मोचन बजरंग बलि हैं। चलिए हम चलते हैं घर। थोड़ा सा कबड्डी प्रतियोगिता हो रहा है, बच्चा पार्टी सब। हम लोग
और गांव का सबसे लास्ट मंदिर में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी भोलेनाथ का मंदिर है, जो कि ये भी बहुत पुराना मंदिर है। आप मंदिर का स्ट्रक्चर देख के बहुत पता लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आप नंदी जी के कान में बोल रहा है, और देखिए साहिल भी जा रहे हैं नंदी जी के कान में कुछ बोलने, अपना मन्नत मांगने। देख सकते हैं पीछे का स्ट्रक्चर, काफी ओल्ड टेम्पल है ये यहाँ का। और हम लोग अब इस रास्ते से जाने वाले हैं घर की ओर। बहुत गर्मी लग रहा है ना भैया, काफी ज्यादा। तो गाइस हम घर पे पहुंच चुके हैं। मानसून मौसी और ठंडी को रोकने के लिए बस स्टैंड मतलब गाड़ी स्टैंड पीछे देख सकते हैं। वहाँ पे हाईवे से बहुत लोग जाने वाले हैं और हम लोग चलते हैं घर। हम फिर हम सुन निकल आए हुए थे और चलते हैं हम लोग घर। काफ़ी और धूप यहाँ पर लग रहा है, तो आगे चलिए हम आपको एक पूजा दिखा रहे हैं जहाँ पे कि बट ब्रिज का पूजा हो रहा है, जो पत्नी अपनी करती है अपने पति के लंबी उम्र के लिए। वहाँ पे धागा लपेटा जाता है, तो मैं अभी चल के वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा सीन कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। ये पूरा गांव बाजार हुआ यहाँ का दिन का सीन हम आपको भी दिखा रहे हैं, दिन का भी सीन। ये छोटा सा मार्केट है यहाँ का, मतलब बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, लंबा। ये सामने एक देवी जी का मंदिर है, जो कि काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। पूरे घमासान भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। गर्मी से काफ़ी परेशान, तो थोड़ा सा पेड़ के नीचे यहाँ पे रुके हुए हैं और हवा खा रहे हैं। हम तीनों भाई लोग काफ़ी ज़्यादा गर्मी से परेशान हो गए हैं। हम अभी आपको दिखा रहे हैं बांध के नीचे का रास्ता। अब देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कितना खुला खुला मैदान है सब, और हरा भरा। सिर्फ यहाँ से भी सोन में जाने का रास्ता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर वगैरह जा रही है सोन में। मैं पूरा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी विशाल यहाँ पे एक ठो पेड़ है। और अप्रोक्स यहाँ से हमारा घर 100 मीटर पड़ता है, मतलब इस रोड से पकड़ के जाने पर। ये बांध जो आपको दिखा रहे हैं अभी, ये बांध जहाँ तक सोन है वहाँ तक ये बांध बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे एक ठो गड्ढा बना हुआ है इसमें, वो मतलब कि जानवर उनको पकड़ने के लिए। और काफ़ी हरा भरा यहाँ पर मैदान है, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। काफ़ी मस्त और काफ़ी एक कूल जगह है यहाँ पर। पैराग्लाइडिंग था, हमको मना ही है। उसको वो वहां से कूदेगा इस गड्ढे में। कूद जा उसमें, कूदो, कूद जा इसमें, नहीं कूद पाएंगे। सुनो, यहां पे हम लोग भाई, यहां पे बना हुआ जानवर पकड़ने के लिए, लेकिन आज हम लोग तुमको पकड़ने वाले हैं। तो इसमें जंप लगाओ, इसमें जंप लगाओ, इधर जंप लगाओ, मार दी क्या बोलो, वो कूद जाएगा तो उसको हम लोग भाग जाएंगे। कूदो 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 कूदो, चलो 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 स्टॉप। घर जस्ट पहुंचने वाले हैं लोग, काफी ज्यादा धूप यहाँ पे लग रहा है। वहाँ पे भी बट ब्रिज का पूजा हो रहा है। तो ये देखिए सामने वाला जो है हमारे नानी का घर है, नाना जी का, और बगल में नाना जी के भाई का घर है ये।